अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लांट सखनो। मीडिया प्रिपेयर करें और कितने बड़े पॉट में जो है रबर प्लांट को ट्रांसप्लांट करें, क्योंकि वॉइस ओवर देना पड़ रहा है थोड़ा सा इस पोर्शन में वीडियो के, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाया था तो वो चली गई थी आवाज़ उसमें। तो ये अपडेट है रबर प्लांट का मेरे, जो मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि किस तरह से इसमें सॉयल बनाते हैं, किस तरह से इसको लगाते हैं। सॉयल बहुत क्रूशियल होती है रबर प्लांट के प्रोपोगेशन के लिए या उसके कल्टिवेशन के लिए। तो ये देख लीजिए, एक वो है इसकी पत्तियों की कलर देख लीजिए, ये सख्त गर्मी है। अभी की अपडेट है, ये अगस्त का महीना चल रहा शुरुआत में, तब का है ये। तो ये थोड़ा सा धूप इस वक्त लग रही थी तो इसे डाउन हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा इसको शेड में रखना पड़ा। नई पत्तियाँ निकली हैं, बहुत ही शाइनी है और बहुत ही अच्छी हैं, इसमें कोई कहीं कोई दिक्कत है नहीं इसमें। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा धूप में रखते हैं, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखा जाता है रबर प्लांट को, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट। इंडोर भी नहीं है कि इंडोर रख लिया जाए, इंडोर भी चल जाता है, कुछ दिन तक रखिए, लेकिन उसके कुछ दिन बाद जो है अंडर द ट्री रख लीजिए, साउथ फेसिंग एरिए में रख लीजिए, जो सॉरी नॉर्थ फेसिंग में रखिए, साउथ फेसिंग में धूप आएगी। ये जड़ें निकली हैं उसकी अच्छी खासे से, ये कल्ले निकल रहे हैं इसमें, कहीं नीचे से थोड़ा सा कट लगा दिया था मैंने, उस वजह से कल्ले निकल रहे थे, वो अलग वीडियो आएगा उसके ऊपर, वो देख लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, फीड नॉर्मल रहेगी, कोई ख़ास फीड नहीं चाहिए रबर प्लांट के लिए, नॉर्मल फीड आप देते रहिए, टाइम टू टाइम पानी डालते रहिए, मॉइस्चर चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली ब्राइट लाइट चाहिए, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लांट सखनो। ये मेरा ब्लैक या काही कहिए या डार्क ग्रीन कहिए रबर प्लांट है, फाइकस जिसको कहते हैं, ये भी फाइकस की वेराइटी है। तो 2-2.5 महीने पहले मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया था, उसका अपडेट देख लीजिए। उसमें मैंने सॉयल बताई थी और कैसे ट्रांसप्लांट, अमूमन मैं ट्रांसप्लांट वीडियो नहीं डालता हूँ क्योंकि सबको पता है पेड़ कैसे लगाते हैं, उसमें कोई क्या बताने वाली बात है। लेकिन कुछ टेक्निकलिटी रहती है उसमें, हर एक पेड़ की अलग अलग सॉयल बनती है, इस वजह से मैंने इसको भी ट्रांसप्लांट किया था, वीडियो मैंने नहीं डाला था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद मैं इस वीडियो को डाल दूँ। तो ये वीडियो है उसकी ग्रोथ का, ये रबर प्लांट था मेरा और इसकी ग्रोथ देख लीजिए, एकदम कॉम्पैक्ट पेड़, हेल्दी, लीफ पे एक भी स्कार नहीं है, कहीं भी नहीं है, एक भी निशान लीफ पे नहीं है, कहीं बर्निंग नहीं है, सन स्क्रॉचिंग नहीं है, कुछ नहीं है। और बहुत अच्छे से जो है नए लीव्स आ चुके हैं इसमें, जब मैंने लगाया था तब ये 1, 2, 3, 4 ये 5 लीफ आ चुकी है इसमें और ग्रोथ भी ले रहा है। ये मीडियम मैंने बताया है वीडियो में, वो देख लीजिए, मीडियम जो है थोड़ा सा वाटर, ऐसा मीडियम लीजिए जो ऑर्गेनिक रिच हो, अच्छे से वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाइए उसमें, लेकिन ड्रेन रहे थोड़ा सा पानी में और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहे, बस इतना सा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। छोटा सा नमूना लीजिए, 1 कप मिट्टी बनाइए, उसको में थोड़ा सा पानी डालिए, देखिए कि कितना वाटर वो होल्ड कर रहा है, फिर उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसमें आपको पानी डालना है कि नहीं डालना है और क्या चीज़ घटाना है बढ़ाना है, उसको कंपोस्ट डालना है कि मिट्टी डालनी है, क्या डालना है, तो उस हिसाब से आप समझ लीजिएगा ये चीज़। एक भी लीफ में कहीं पर भी कोई स्पॉट नहीं है। ये छोटा सा अपडेट है रबर प्लांट का, सिर्फ मिट्टी का कमाल है इसमें। और टाइम टू टाइम मैंने, जब इसमें बहुत ज़्यादा धूप थी तो मैंने इसको अंदर रख दिया था, इसको सन स्क्रॉचिंग से बचाने के लिए। रबर प्लांट को गर्मियों में अंदर आप रख दीजिए, ज़मीन में जो पेड़ लगा होता है उसकी बात अलग होती है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर गमलों में रखा है, छत पे है, टेरिस, उसकी धूप आती है बहुत तेज़ी से आँच आती है, तो मार्च अप्रैल मई की जो गर्मी होती है ख़ास तौर से अप्रैल और मई की, वो ये पेड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। गमले में है तो नीचे से हीट रहेगी, ऊपर से हीट रहेगी और ये टिप जो होती है आपकी, यहाँ ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ने लगेंगे और साइड से जो आपकी टिप ये जलने लगेगी। तो अभी बारिश है तो इस बारिश की वजह से मैंने इसको बाहर रख दिया है, इससे कोई दिक्कत है नहीं है और बहुत शानदार माशाल्लाह से पेड़ चल रहा है, ये बहुत शानदार चल रहा है, कहीं मेरी नज़र ना लग जाए भैया तुमको। और हाँ,
एक चीज़ जो ज़रूरी चीज़ जो बार बार मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, आप लोग पक गए होंगे यार क्या बार बार ये चीज़ बोलता है, वो चीज़ ये है कि एक एक डायरी बना लीजिए, जो प्लांट्स हों आपके वो आप उनको लिखिए, और टाइम टू टाइम उसमें फंगीसाइड और फॉलियर सीड देना, माइक्रोन्यूट्रिएंट देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने वो नहीं किया तो प्लांट जो है आपका थोड़ा सा वो झटके लेने लगेगा, इसलिए फॉलियर स्प्रे प्लांट में बहुत ज़रूरी होता है। तो ये है अपडेट रबर प्लांट का, अपडेट दे रहा हूँ आप लोगों को रबर प्लांट का, ये देख लीजिए, ये है फाइनल अपडेट है। ये पत्तियाँ ये बड़ी हुई हैं क्योंकि गर्मी बारिश के टाइम में थोड़ी बड़ी हो जाती हैं पत्तियाँ, इससे ये पुरानी पत्तियाँ हैं तो ये छोटी रहती हैं, थोड़ी ब्लैक है, हल्की सी हरी हो रही थी, तो जब पत्तियाँ जब हरी हो रही होती हैं हल्की, तो उनको शेड में रखिए, अंदर रखिएगा तो पत्तियाँ ज़्यादा बड़ी होंगी, बाहर रखिएगा उजाले में तो पत्तियाँ छोटी होंगी, अंदर ज़्यादा उनको क्लोरोफिल प्रोड्यूस करने के लिए जो है फोटोसिंथेसिस करने के लिए ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो अपने आप को फैला लेंगे। ये तब थी जब वो अंदर रखी हुई थी। ये सारी पत्तियाँ हैं, ये थोड़ी सी ब्लैक में हैं, ये जाड़े के टाइम की है इस वजह से ऐसा है, छोटी पत्तियाँ हैं, ये गर्मी और बारिश के टाइम की हैं इस वजह से ये बड़ी पत्तियाँ हैं। रूट अच्छी खासी इसमें आ गई है, ये बड़ा पार्ट अब मांग रहा है, साइड ब्रांचिंग भी ये होने लगी है, इसमें आराम से हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सब हो रही है साइड ब्रांचिंग। अभी ये पेड़ हो जाएगा फुल, स्लो होती है थोड़ी सी साइड ब्रांचिंग रबर प्लांट में, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है,